दोस्तों, दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि या तो आपकी वीडियोस पे सिरे से व्यूज़ नहीं आ रहे, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, बिल्कुल स्ट्रक हैं, आपका चैनल बिल्कुल फ्रीज है। दूसरी सूरत ये है कि आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आते तो हैं, लेकिन 15 से 20 व्यूज़ आते हैं, इससे ज़्यादा आपकी कोई भी वीडियो जना व्यूज़ नहीं ले रही। जब तक दोस्तों आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, ना तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं, ना ही आप अपने चैनल को वायरल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी वीडियोस पे व्यूज़ लाने हैं, किस तरह से अपने चैनल को वायरल करना है। दो सूरतें मैंने आपको बताई हैं। पहली सूरत भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके चैनल पे सिरे से व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आपने अपनी सभी वीडियोस पे किस तरह से व्यूज़ लाने हैं। अगर व्यूज़ आ रहे हैं, 10, 15, 20 व्यूज़ आ रहे हैं, तो इनको आपने हज़ारों में किस तरह से लेके जाना है। दोस्तों, ये देखें, मेरे चैनल के आपको इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं लाइफ टाइम के। यूट्यूब ने मेरी वीडियोज़ को, मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं, 13,60,84,000 लोगों के सामने भेजा। ह्यूज ऑडियंस के सामने जनाब, 13 करोड़ लोगों के सामने यूट्यूब ने मेरे चैनल की वीडियोस को भिजवाया। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने नहीं जाएंगी, यूट्यूब पे ऑडियंस को आपका थंबनेल नज़र नहीं आएगा, तब तक आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ सकते। पहले आते हैं इम्प्रेशन। आपने सीखना है आज की वीडियो में कि आपने अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस तरह से भिजवाना है। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आपको पसंद आया तो आप उस तरीके को अडॉप्ट कीजिएगा, अडॉप्ट करके अपनी सभी वीडियोस को वायरल कर लीजिएगा। दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में तमाम वीडियोज़ बर्वक मौसूल होती रहें। दोस्तों, ये मोबाइल पर आपको एक वीडियो नज़र आ रही है, ये वाली। इस वीडियो पर आपको नज़र आ रहे हैं कितने व्यूज़ हैं, 11 लाख जनाब। इस वीडियो पे मैं व्यूज़ ले चुका हूँ। 11 लाख व्यूज़ का मतलब ये है कि मेरी वीडियोस कम से कम तकरीबन 2-3 करोड़ लोगों के सामने गई होगी, ऐसे ही है। अब देखें, आपने एक बात पे गौर करना है। आपको इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल नज़र आ रहा है, जबकि ये वीडियो 11 माह पहले मैंने अपलोड की हुई है। एट द सेम टाइम मैंने 3 माह पहले एक वीडियो अपलोड की, सेम थंबनेल है मेरा, सेम जनाब मेरा टाइटल है। लेकिन इस वीडियो पे भी जनाब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख प्लस व्यूज़ ले गया। इवन के ये मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका था, लेकिन अपडेट करके इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें पुट करके मैंने जनाब इस वीडियो को दोबारा से अपलोड किया, और अपलोड करके 3,63,000 जनाब मैं व्यूज़ ले गया। मैं अगर चाहता तो इस वीडियो की प्रॉपर SEO ना करता, इसी तरह से मैं अपलोड कर देता। लेकिन जो काम जनाब मैंने पहली वाली वीडियो पे किया, वही वाला काम जनाब मैंने इस वाली वीडियो पे कर दिया, और मजाक मजाक में जनाब मेरी वीडियो 3 लाख प्लस व्यूज़ ले गई। दोनों सूरतें मैं आपको बता देता हूँ। पहली सूरत में यार, सपोज़ कर लेते हैं कि आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आ रहे हैं, 10, 20 या 50 व्यूज़ आ रहे हैं। अब आपने इनको डबल किस तरह से करना है, बाद में जनाब उनकी तरफ आता हूँ जिनकी वीडियोस पे सिरे से व्यूज़ नहीं आ रहे। अच्छा जनाब, आपने आ जाना है अपने YouTube स्टूडियो में, YouTube ऐप में आ जाना है। YouTube ऐप में आने के बाद यहाँ पे जनाब आपको एनालिटिक्स की ऑप्शन नज़र आएगी, ये वाली। आपने आ जाना है अपने एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है कंटेंट की, कंटेंट में आ जाना। आपने कंटेंट पे क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज आ गया। इस तरह से स्वाइप अप करेंगे, अप करने के बाद जनाब आपने इस तरह से लेफ़्ट करना है। लेफ़्ट करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जिनकी वीडियोज़ पे 1, 2, 4, 5, 10 व्यूज़ आ रहे हैं ना, अब उन्होंने अपने व्यूज़ को डबल किस तरह से करना है, ठीक है। तो जनाब आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपको मल्टीपल टाइटल नज़र आने हैं, मल्टीपल वीडियोज़ नज़र आ रही हैं जो कि यूट्यूब पे सर्च हो रही हैं। इस ऑप्शन में आने के बाद ये आपको काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। ये तो मेरे चैनल के कीवर्ड्स हैं ना, आपको इसी तरह से अपनी वीडियोज़ के कीवर्ड नज़र आएंगे। अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके आपको ये कीवर्ड नज़र आएंगे। आपने क्या करना है, आपने एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक ये है कि जिन वीडियोस पे आपको लगता है कि यार जिन पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, रूटीन से हट के व्यूज आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जितने भी यहां पे आपको कीवर्ड नजर आ रहे हैं, आपने उनको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने नोटपैड में सेव कर लेना है। नोटपैड में सेव करने के बाद जिन वीडियोस पे आप ज्यादा व्यूज लाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जिन पे 10, 20, 50 व्यूज है ना,
आप चाहें कि उनमें हज़ारों के हिसाब से व्यूज़ आएँ, तो आपने ये वाले कीवर्ड कॉपी करके उनकी डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में लगाना स्टार्ट कर देने हैं। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यहाँ पे एक टाइटल नज़र आ रहा है, कंटेंट सजेस्टिंग यू, ये वो कंटेंट है जो आपकी वीडियोस को सजेस्ट कर रहा है। जितने भी आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, आप देखें यहाँ पे आके चेक करें, यही वाले कीवर्ड्स आप अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में लगाएं और अपनी वीडियोज़ को वायरल करें। दूसरे नंबर पर मैंने आपको एक वीडियो दिखाई कि यार इस वाली वीडियो पर मेरे 3 लाख प्लस व्यूज़ आए। एवं बस मैंने इस पर एक ट्रिक लगाया। ट्रिक मैंने कौन सा लगाया? ट्रिक मैंने ये लगाया कि इस वीडियो की मैंने SEO की, मैंने अपनी इस वाली वीडियो को जिस तरह से वायरल किया ना, आपने बिल्कुल उसी तरह से काम करना है, आपके चैनल पे व्यूज आना स्टार्ट हो सकते हैं। ये देखें जनाब, मैं आपको इस वाली वीडियो पे क्लिक करके दिखाता हूँ। इस वीडियो पे 11 लाख व्यूज आए हैं ना, मैंने क्या किया, आपने भी इसी तरह से करना है। अगर आपको YouTube पे ऐसी वीडियो नजर आती है जो कि आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब ओपन करते हैं, कुकिंग का आपका चैनल है, टेक का है या हेल्थ का है, आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कोई वीडियो नज़र आती है जो कि बड़ी वायरल हुई हो, आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि यार इनकी वीडियोस पे हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमारी वीडियोस पे यार 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे। आपने यार परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, आपने उस वीडियो को कॉपी कर लेना है। कॉपी किस तरह से करना है? मिसाल के तौर पर आप गए उनके चैनल पर, जिस तरह से मैंने अपने चैनल पे जाके ये काम किया, मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं ना, आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और कॉपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ये आपको वीडियो कॉपी करके दे देगा। इसी तरह से आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से वीडियो को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने जनाब कहाँ पर आना है, एक एप्लीकेशन है, अक्सर यार भूल भी जाते हैं, मैं बड़ी दफ़ा बताता हूँ अपनी वीडियोस में कि यार इन एप्लीकेशंस को आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल रखा करें। 4 एप्लीकेशन नोट कर लें, हर टाइम आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल होनी चाहिए, आपने इन्हें डिलीट नहीं करना। नंबर 1 VidIQ, दूसरे नंबर पे आपने रैपिड टैग्स, तीसरे नंबर पे आपने वाई टूल और चौथे नंबर पे टैग फाइंडर आपने अपने मोबाइल फ़ोन में मस्ट इंस्टॉल कर लेने हैं। ऐसा नहीं करना कि यार आपने 2-3 किए, 4 के 4 आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होने चाहिए। आपने आ जाना है यार वाई टूल में। सपोज कर लेते हैं कि यार हम वाई टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वाई टूल में आ गए। वाई टूल में आने के बाद आपने जो पहला काम है वो क्या करना है, आपने क्या करना है, जिस वीडियो का लिंक कॉपी किया आपने उसको जनाब यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स, हर चीज़ जनाब आपके सामने आ जाएगी। जो ट्रिक मैंने लगाया वही ट्रिक आपको बताने लगा हूँ। सिरे से व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपकी वीडियोज़ पर भी व्यूज़ आ सकते हैं, वह तरीका आपके चैनल पर व्यूज़ लाने का। अगर आप अपनी वीडियोज़ पर सर्च के थ्रू व्यूज़ लाएंगे तो आप अपने चैनल को आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये वीडियो जनाब सर्च हो रही थी YouTube पे, कौन सी वीडियो, ये वाली। इस वीडियो पे अगर 11 लाख व्यूज़ आए हैं तो स्टिल इस वीडियो को सर्च किया जा रहा है YouTube पे। मैंने क्या किया कि इसी वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स मैंने जनाब ला के इस वीडियो में पुट कर दिए, YouTube के साथ मैंने प्ले किया। आपने भी दोस्तों इसी तरह से प्ले करना है। मेरी इस वाली वीडियो पे इतने व्यूज़ आ गए, आपकी वीडियोस पे भी व्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि सर्च के थ्रू मैं इस वीडियो पे व्यूज़ लेके आया। YouTube पे जिन वीडियोस को सर्च किया जा रहा है ना, आपने उन्हीं वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स कॉपी कर लेना है, कॉपी करके ला के अपनी वीडियोस में पेस्ट कर देना। एक चीज़ का बस आप ध्यान रखें, सिर्फ एक गलती आपने नहीं करनी, अपने टाइटल में हैशटैग नहीं इस्तेमाल करना, अपने टाइटल में हैशटैग को यूज़ करना छोड़ दें। दूसरे नंबर पे अपने टाइटल में अपनी मर्जी से कीवर्ड्स लगाना छोड़ दें। मार्केट में सर्च हो रहा है हाउ टू इंक्रीज़ व्यूज़, जब आप अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में हाउ टू इंक्रीज़ व्यूज़ लगाएंगे तो आपकी वीडियोस पे भी कंफर्म बात है व्यूज़ आएंगे। जिस तरह से मैंने SEO को अपनी वीडियो में कॉपी पेस्ट किया, इसी तरह से आपने SEO को अपनी वीडियो में कॉपी पेस्ट करना है। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में SEO करने का, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लगाने का जो प्रोफेशनल तरीका है जनाब, मैं वो दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि 2 तरीकों से आपने अपनी वीडियोस को वायरल करना है। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि जिन वीडियोस को सर्च किया जा रहा है ना, उन वीडियो को जनाब आपने उनके कीवर्ड्स कॉपी करके अपनी वीडियोस में लगाना स्टार्ट कर देने हैं। लेकिन इस केस में जिन वीडियोस पर आपके सिरे से व्यूज़ नहीं ना आ रहे, आपने देखना है कि यार जिन चैनल्स पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, जिन वीडियोज़ पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आपने उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देनी है। जब आप उनकी SEO को कॉपी पेस्ट करके अपनी वीडियोस में लगाएंगे तो मेरी तरह 11 लाख व्यूज़ मैं ले चुका था, लेकिन 3 लाख तकरीबन 63,000 व्यूज़ मैं दोबारा ले गया।
इसी तरह से दोस्तों आपने ये ट्रिक लगा के, ये फॉर्मूला लगा के SEO करके अपनी वीडियोस पे व्यूज़ लाने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको फ्यूचर में 5 वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें।